16 जून को हमने जो हमारी यूनियन टेरिटरी के 60,000 डेलीवेजर्स है, फेयर प्राइस शॉप डीलर्स है, नीड बेस्ड वर्कर्स है, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, हमारे कंट्रैक्चुअल ड्राइवर्स है, हमारे फूड सप्लाईज के लेबर्स है, हमारे जो NHRM के जो डॉक्टर्स है, जितने भी आरजी मुलाजमीन है उनकी हिमायत में आज एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के काल पे हमने आज एक खामोश सिद्ध धरना रखा। ये आज हर दफ्तर में होगा, जहां जहां चाहे फूड सप्लाईज का दफ्तर हो, PDD का दफ्तर हो, एजुकेशन का दफ्तर हो, जंगलात का दफ्तर हो, हर उस बड़े एग्रीकल्चर का ऑफिस हो, हर उस दफ्तर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जहां रहते हैं। दूसरा, हमने ये जो आज का एहतजाज का प्रोग्राम रखा है ये हर जिला हेडक्वार्टर पे हमने उन तमाम 60,000 डिलीवरी जो आर्जी तौर पर महकमों में काम करते हैं उनकी हिमायत में रखा है, और सरकार तक ये बात वाजिया पहुँचाने के लिए ये जो हमारे 60,000 डिलीवरीज है ये लावारिस लोग नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे हैं, इनका हक बनता है कि इनको मुस्तकिल तौर पे नौकरियां फराहम की जाए। दूसरा, जो सरकार ने कल SRO 202 कल अदम किया, हम सरकार का इस बात के लिए जबरदस्त शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक खतरनाक ड्रैकुनल लॉ को खत्म किया, मगर सरकार से हम ये कहेंगे कि जो उस एक्ट पे पहले अभी काम कर रहे हैं उनको भी पेंशन के दायरे में लाया जाए, और जो नया उन्होंने किया उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर जल्द अज जल्द डेलीवेजरों के मुस्तकिली के अहकाम सादिर नहीं किए गए तो एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर 4.5 लाख मुलाजमीन को साथ लेके इनके जो हमारे जो ये डेलीवेजर्स है, फेयर प्राइस शॉप है, नीड बेस्ड वर्कर्स है, कंट्रैक्चुअल लेबर्स है, हमारे लेबर्स है या NHMR में काम करने वाले लोग हैं, उनके हिमायत में हम सड़कों पर निकल आएंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की यूनियन टेरिटरी सरकार पे आयद होगी।